नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और मैं यहां पर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शो के साथ। जी हां, शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग इस शो को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए सुबह हमने इस शो को, इस क्लास को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडिशनल फैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स के माध्यम से। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे होगा जो कि आप में से ही एक विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर बनते हैं। इसके बाद एडिटोरियल्स का ओवरव्यू द हिंदू न्यूज़पेपर आज 16 अप्रैल का, और इसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे हम लोग देखेंगे डिटेल में। बिना किसी देरी के लिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज मोटिवेशनल कोट किसका चुना गया है। तो सबसे ज्यादा जो पसंद किया गया मोटिवेशनल कोट है वो हर्षित गुप्ता जी का है। ये कहते हैं कि समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दें, समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। काफी बढ़िया बात यहां पर कही गई है। जो लोग आपका, आपकी आलोचना करते हैं, आपको एक तरह से आपका, आपकी बेइज्जती करते हैं या आप पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, ये है वो है, असफलता के लिए आपका, आपकी हंसी उड़ाते हैं, ये उन्हीं के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि लोग चाहे जितना आप पर ईंटें फेंकें, पत्थर फेंकें, आप अगर उनसे आशियाना बना सकते हैं, अपने सपनों का महल अगर खड़ा कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, सीधा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ चलते हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल है आपका, वो आपका लिया गया है COVID-19 को लेकर ही, क्योंकि सबको मालूम है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में सब कुछ आएगा COVID-19 को लेकर ही। चारों तरफ यही चर्चाएं हैं, हर जगह COVID-19 को लेकर ही चर्चा है, इसलिए आर्टिकल में भी COVID-19 को लेकर ही चर्चा की गई है। अब ध्यान से इस आर्टिकल को समझिएगा कि आर्टिकल का मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है आर्टिकल का। रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज ऑब्जर्व दैट द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि जितने भी टोटल टेस्ट आपके किए जा रहे हैं, लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहीं वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव तो नहीं है, तो उसमें से जितने भी टोटल टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से कितने लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसका परसेंटेज यहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कहलाएगा। हैड नॉट चेंज सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 1 to 2 months, मेंटेन बिटवीन 3 to 5%। यहां पर बात ये की गई है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के अनुसार भारत में पिछले 1 or 2 months से यहां पर जो आपका पॉजिटिविटी रेट है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, वो आपका 3 to 5% के बीच में बना हुआ है, ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है। अब यहाँ पर बताया ये भी गया है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का क्या मतलब यहाँ पर बनता है। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब बनता है, इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉजिटिव केसेस अमंग ऑल टेस्ट डन, यानी कि जितने भी टेस्ट आपके होते हैं उनमें से कितने टेस्ट आपके पॉजिटिव निकलते हैं उसका परसेंटेज यहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बनता है। इट इज टेकन टू बी अ यूजफुल इंडिकेटर इफ अ सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस हैज बीन टेस्ट। ये एक बहुत ही जरूरी और यूजफुल इंडिकेटर होता है, इफ अ सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड केस हैज बीन टेस्ट। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सस्पेक्टेड केसेस की बात करते हैं, एक बड़ी जनसंख्या के समूह की बात करते हैं, तो उनमें से लगभग कितने लोग यहां पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकल सकते हैं, ये उस बात को यहां पर टेस्ट करता है और काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बात करते हैं क्या और लिखा गया है। इट इज वन अमंग द मेजर्स फॉर असेसिंग द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि कोई भी बीमारी या उस बीमारी से होने वाला इन्फेक्शन कितना तेजी से आपका फैल रहा है, ये इस बात का भी इंडिकेटर आपका बनता है। फ्रॉम डेटा ऑन टेस्ट फॉर COVID-19 एंड पॉजिटिव केसेस बिटवीन 18 मार्च, 18 मार्च से अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं 13 अप्रैल के बीच में, इट इमर्ज दैट द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इन इंडिया हैज बीन बिटवीन 1.1% एंड 4.3% रेशियोज बेस्ड ऑन कम्युलेटिव अकाउंट्स अंटिल एनी डेट। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि चाहे 18 मार्च से लेकर अगर हम लोग 13 अप्रैल के बीच की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इन दोनों ही तारीखों के बीच में आप चाहे जहाँ पर भी पॉजिटिव रेट इंडिया में देख लीजिएगा, 1.1% से 4.3% के बीच में रहा है, ये इससे ऊपर नहीं गया। ये एक अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ टेस्ट पॉजिटिव होने के जो केसेस है वो नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि ये एक जगह आपके स्थिर हैं, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पर दो ग्राफ दिए गए हैं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए और उनमें से परसेंटेज क्या निकल कर आता है, परसेंटेज टोटल टेस्ट इन परसेंटेज। तो आप ये देख सकते हैं करीब करीब 3 अप्रैल के आसपास का डेटा अगर आप देखें तो 3 अप्रैल पे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी 4.68% पर, लेकिन 13 अप्रैल की बात करें तो ये 4.2% के बीच में है, बहुत धीरे धीरे ये राइज हुआ है।
टेस्ट एंड पॉजिटिव केसेस काउंट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, रेड कलर का जो ग्राफ आपका है ये टोटल टेस्ट का ग्राफ है, जबकि ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो आपका पॉजिटिव केस का आपका ग्राफ अभी तक बनता है। अगर हम 13 अप्रैल तक की बात यहाँ पर कर लेते हैं, 13 अप्रैल तक टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आपके टेस्ट हुए हैं, तो अभी तक 13 अप्रैल तक भारत में 217,554 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से मात्र 9,341 लोग आपके यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि यहाँ पर जो परसेंटेज है या जो रेट ऑफ है, रेट फैलने का जो यहाँ पर दर है, फैलने की जो दर है कोरोना वायरस के, वो यहाँ पर काफ़ी कम है और ये स्थिर बनी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, ये बढ़ नहीं रही है। If more people are tested and the positivity rate remains the same, अगर और ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाता है और उसके बावजूद भी जो आपकी पॉजिटिविटी रेट बराबर रहती है, सेम ही रहती है, इट इज़ क्लू दैट द इन्फेक्शन इज वेयर इट वॉज एंड इज नॉट एक्सपेंडिंग। हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी तक तो 200,000 के आसपास लोगों का यहाँ पर टेस्ट किया जा चुका है, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट उनका किया जा चुका है, जिनमें से 9,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर हम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होना शुरू हो जाती है और उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी केस का जो रेट है वो इतना ही रहता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से नहीं फैल रहा है। और अगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है एंड अ सडन स्पाइक इन द इन्फेक्शन स्प्रेड वुड बी एन अलार्मिंग कंसर्न, और अगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्फेक्शन मिलते हैं या यहाँ पर पॉजिटिविटी के जो केस हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो बिल्कुल ये चिंता का विषय यहाँ पर बनेगा। ये सारा डेटा किसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ये सारा डेटा आपका जो प्रोवाइड किया गया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कौन है। ये एक अपेक्स बॉडी है, एक फिक्स संस्था है इन इंडिया फॉर दी फॉर्मुलेशन यानी कि बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग बनाने के लिए एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। तो बायोमेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन के लिए काम करने वाली अपेक्स बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको जो फंड मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इन्हें फंड मुहैया कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है ये इन्हें फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कब से इसकी स्थापना, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इससे तब से लेकर अब तक ये भारत में अपनी सेवाएं आपकी दे रहा है। तो उम्मीद है ये आर्टिकल आप सभी को क्लियर रहा होगा, एक बार यस लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा कि हाँ सर ये आर्टिकल और इस आर्टिकल का मुद्दा हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल डेफिनेटली ही आपके एग्जाम का हिस्सा बनने वाला है और एग्जाम में यहाँ से काफी सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो चलिए इस पर बात करते हैं। अगला आर्टिकल है इंडिया और अमेरिका को लेकर, और आर्टिकल में जो बात की गई है वो ये है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज वर्थ अमाउंट 155 मिलियन US डॉलर टू इंडिया। यानी कि अमेरिका का जो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भारत को 155 मिलियन US डॉलर में टॉर्पीडोज और मिसाइल देने के लिए यहां पर तैयार हो गया है, और उसने बेचने के लिए जो यहां पर अप्रूवल दी है, द सेल ऑफ द 10 AGM, यहां पर जो सेल के लिए अप्रूवल यहां पर दी गई है, सेल ऑफ 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट $92 मिलियन। तो यहां पर 10 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल देने की बात की है, जिसकी जो लागत बनती है 92 US डॉलर बनती है, मिलियन यूएस डॉलर बनती है। इसके अलावा भारत को 16 MK-54 ऑल अप राउंड लाइट वेट टॉर्पीडोज मिलेंगी और 3 आपको MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडोज मिलेंगी, आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट $63 मिलियन। तो यहाँ पर टॉर्पीडोज देने की भी बात की गई है। अमाउंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा कि ये टोटल जो कॉस्टिंग है या जो टोटल यहाँ पर सेलिंग है या एग्रीमेंट है वो कुल कितने अमाउंट का हुआ, ये जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, इंडिया इंटेंट्स, भारत ये इरादा रखता है टू यूटिलाइज MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडोज ऑन इट्स P-8I एयरक्राफ्ट। भारत में जो उनका P-8I एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट है और इसमें जो आपकी टॉर्पीडोज हैं वो इसमें लगाई जाएंगी ताकि आगे इनका यूज़ किया जा सके।
टॉर्पीडो वुड प्रोवाइड दी कैपेबिलिटी टू कंडक्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन का मतलब यहां पर यह बन जाता है कि अगर समुद्र में यहां पर युद्ध छिड़ जाता है और एक पनडुब्बी का सामना दूसरी पनडुब्बी से होता है तो हम क्या करते हैं, टॉर्पीडोज का इस्तेमाल करके दुश्मन देश की पनडुब्बी को मार गिरा सकते हैं, तो उस मिशन में ये हमारे काम आएगा। इसके अलावा हार्पून मिसाइल सिस्टम की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, वुड बी इंटीग्रेटेड इंटू P-8I aircraft to conduct anti-surface warfare mission in defense and critical sea lanes। यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि अगर हम हार्पून मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं तो उसको भी हम लोग P-8I aircraft पर लगाएंगे और ये एक तरह का एंटी सरफेस वॉरफेयर मिशन के लिए। एंटी सरफेस वॉरफेयर मिशन यानी कि जमीनी स्तर पर, अगर सतह पर जमीनी स्तर पर अगर युद्ध होता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और सी के क्रिटिकल एरियाज में या सी के क्रिटिकल या तटीय इलाकों में भी इसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकेगा। एंटी सरफेस वॉरफेयर का मतलब है पानी के ऊपर, यानी कि पानी के सरफेस पर जब दो जंगी जहाज आमने सामने होंगे या दुश्मन का जहाज हमारे सामने होगा तो उसको मार गिराने में काफी मददगार साबित होगा। इसके बारे में मैंने काफी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये डिटेलिंग एक बार पढ़ने के बाद काफी पसंद आएगी और काफी सारी आपकी नॉलेज यहां पर इंक्रीज होगी। हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल की बात करते हैं तो इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग बोथ लैंड स्ट्राइक एंड एंटी शिप मिशन। इसको हम लोग किसी भी जमीनी टारगेट को निशाना बनाते हुए भी इसको लॉन्च कर सकते हैं और एक एंटी शिप मिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब दुश्मन के जहाज को डुबोने के लिए भी इस मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्ट्राइक टारगेट ऑन लैंड एंड शिप इन पोर्ट, द मिसाइल यूजेस GPS एडेड इनर्शियल नेविगेशन टू हिट द डेजिग्नेटेड टारगेट एम पॉइंट। बात यहां पर यह की गई है कि अगर जमीनी स्तर पर लड़ाई हो, चाहे कोई खड़ा हुआ शिप हो जिसे दुश्मन का शिप हो और उसे हमें डुबोना हो, तो यह मिसाइल GPS सिस्टम पर काम करती है, GPS नेविगेशन पर काम करती है और जिस टारगेट पर हमें इस मिसाइल को दागना है, जिस टारगेट तक इस मिसाइल को पहुंचाना है, यह मिसाइल उसी टारगेट पर आपकी जाकर स्ट्राइक करती है। इट कैन बी यूज अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंड बेस्ड टारगेट्स। अगर हम इस मिसाइल की बात करते हैं तो ये आपकी दूसरी वैरायटी जो है, जैसे कि लैंड बेस्ड टारगेट, अगर हमें कोई भी जमीनी टारगेट को हिट कराना है तो वो भी हम इस मिसाइल के माध्यम से करा सकते हैं। इंक्लूडिंग द कोस्टल डिफेंस साइट्स, यानी कि हमारे समुद्र तटीय एरियाज में जो भी आपके रक्षा बिल्डिंगें बनी हुई हैं डिफेंस साइट्स हैं उनको बचाने के लिए। सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स, यानी कि ऐसी साइट्स जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स हैं वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। एक्सपोज्ड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को तबाह करने में, पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड शिप्स इन पोर्ट, इन सभी को टारगेट बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल के माध्यम से। अब थोड़ी सी बात टॉर्पीडो की भी कर लेते हैं यहां पर। MK-54 टॉर्पीडोज, टॉर्पीडोज क्या होते हैं, इज अ सिगार शेप्ड सेल्फ प्रोपेलेंट अंडर वाटर मिसाइल। ये एक तरह की अंडर वाटर मिसाइल होती हैं। इनका जो आकार होता है, इनकी जो आकृति होती है, वो एक सिगार की तरह होती है। लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन, इसे एक पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है, सरफेस वेसल, और ऐसा जहाज जो कि पानी के ऊपर या पानी की सतह पर तैर रहा हो उस जहाज से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे किसी भी एयरप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। डेजिग्नेटेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग अपॉन कॉन्टैक्ट विद दी हॉल्स ऑफ सरफेस वेसल्स एंड सबमरीन। और ये मिसाइल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर ये मिसाइल किसी भी जहाज से टकराती है, जहाज के ढांचे से टकराती है, सरफेस वेसल से टकराती है तो ये उसको नष्ट कर देगी, या अगर ये किसी पनडुब्बी से टकराती है पानी के अंदर तो ये उस पनडुब्बी को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगी। हमने देखा कि टॉर्पीडोज को भी और इसके अलावा जो आपकी हार्पून मिसाइल्स को भी P-8I एयरक्राफ्ट में लगाने की बात की जा रही है, तो बैकग्राउंड में जो आपको यहां पर इमेज नजर आ रही है ये P-8I एयरक्राफ्ट की ही है। P-8I एयरक्राफ्ट दैट बोइंग कंपनी डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द US नेवीज एजिंग P-3 फ्लीट। तो पहली चीज तो याद रखनी है कि P-8I एयरक्राफ्ट का निर्माता कौन है, बोइंग कंपनी है। बोइंग कंपनी किस कंट्री की है तो याद रखिएगा ये अमेरिकन कंपनी है और इस अमेरिकन कंपनी ने अमेरिकी नेवीज के P-3 फ्लीट को हटाने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिवेलप यहाँ पर किया था। P-8
आई एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक बहुत ही बेहतरीन विमान होता है, जिसे हम लोग पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी नेवी है इसे निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस विमान में इंक्लूडेड आपकी रहती हैं। इसमें पूरा वॉरफेयर सिस्टम आपका लगा होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल सेटेलाइट सिस्टम भी इस विमान के अंदर होता है। ये कोई यात्री विमान नहीं है जिसमें हम यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। ये एक चला फिरता या एक उड़ता हुआ पूरा का पूरा एक सर्विलांस सिस्टम होता है, और सर्विलांस सिस्टम के साथ साथ इसमें डिफेंस सिस्टम भी लगा होता है, मिसाइल्स भी आप लोग लगा सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जहां पर कोई एक डिफेंस साइट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बेस बना होता है जहां से सारी सिक्योरिटी को देखा जाता है, वहीं से सारा मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, तो ये एक चलता फिरता उड़ता हुआ कंट्रोल सिस्टम है जिसके पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, और टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ये उसको खुद भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक मल्टीपर्पज बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, 8PI एयरक्राफ्ट। आगे बात करते हैं P8I एयरक्राफ्ट, माफी चाहेंगे 8PI कह दिया। आगे बात करते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड, तो यह 907 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, और ऑपरेटिंग रेंज कितनी है तो करीब करीब समुद्र की जो दूरी होती है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, तो समुद्र के करीब करीब 1200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में ये पेट्रोलिंग कर सकता है, या इतने एरिया को ये कवर कर सकता है। द P8Is डिटेक्ट थ्रेट्स एंड न्यूट्रलाइज देम इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई खतरा होता है समुद्र में तो ये उसको डिटेक्ट भी कर सकता है, मतलब उस खतरे को भांप भी सकता है और उस खतरे को वहां पर नष्ट भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। फार बिफोर दे कम एनी वेयर नियर द इंडियन शोर्स, अगर वो भारतीय सीमाओं के पास आने का प्रयास करते हैं या भारतीय जमीनी सीमाओं पर आने का प्रयास करते हैं तो उसको वहीं पर नष्ट कर सकता है। इंडियन नेवी बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर फॉर P8 एयरक्राफ्ट विद द कंक्लूजन ऑफ द नियरली $2.1 billion कॉन्ट्रैक्ट ऑन January 1, 2009 फॉर अ टोटल 8 एयरक्राफ्ट। तो भारत ने January 2009 में 8 एयरक्राफ्ट खरीदे थे P8 एयरक्राफ्ट, इसके लिए भारत ने $2.1 billion की डील भी वहां पर साइन की थी। P8's इंडियन वेरिएंट इज रिफर्ड एज P8I, भारतीय वेरिएंट को यहां पर P8I एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और इन एयरक्राफ्ट को INS रजाली में रखा गया है, मतलब कि ये एयरक्राफ्ट कहां से उड़ान भरते हैं या कहां पर इनका बेड़ा रखा गया है, तो इनका बेड़ा INS यानी कि इंडियन नेवल शिप रजाली में इनका बेड़ा आपका रखा गया है। उम्मीद है यहाँ तक का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, तो एक बार यस लेकर मुझे बता दीजिएगा, परेशान मत होइए, सेशन खत्म नहीं हुआ है। बस आपको याद दिलाने के लिए कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फेसबुक पेज भी है जहां पर सारी अपडेट्स आपकी रहती हैं, नाम है GK विदर्स, आप लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जहां पर आपकी PDF और दूसरा स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल, और इन सब की लिंक आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के ओवरव्यू की तरफ यहां पर बढ़ चलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, यहां पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये किस बारे में है, द पैंडमिक बैटल विल नॉट एंड सून, हम जो महामारी से यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं ये जल्द ही खत्म नहीं होने वाली, बट नॉर्मैलिटी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस, लेकिन ये कहा गया है कि ठीक है भैया कि महामारी की वजह से यहाँ पर फिर से हमने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, काफ़ी लंबी लड़ाई है, और इतनी लंबी लड़ाई में हम नॉर्मैलिसी मतलब कि जनजीवन को सामान्य करना, मार्केट फिर से खुल जाए, सड़कें फिर से लोगों से भर जाएँ और फिर से हमारा जनजीवन सामान्य हो जाए, इसको हमें क्या करना है फेजेस में, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, धीरे धीरे ओपन करना होगा, नहीं तो हमारी इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। इसी तरह का एक आर्टिकल कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, इसलिए आज इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की यहां पर बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर है सीज द डिस्ट्रैक्शंस एंड सीज द मोमेंट। इस आर्टिकल की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में लिखा है द क्राइसिस प्रोवाइड सेवरल अपॉर्चुनिटीज फॉर रियल पार्लियामेंट्री चेंज अ रिडक्शन इन द पे ऑफ द MPs का फुल फॉर्म बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ओनली सिंबॉलिक। यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो पहले पैराग्राफ से ही आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। गवर्नमेंट हैज इशू 2 ऑर्डिनेंस, भारत सरकार ने यहां पर 2
अध्यादेश पास किए हैं। पार्लियामेंट हैज मॉडिफाइड इट्स रूल्स टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस जो उनके भत्ते होते हैं उसमें कमी देखने को यहाँ पर मिली है, उसमें कमी की गई है लगभग 30% की। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया है कैंसिल करने के लिए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 2 सालों के लिए। और जो ये स्कीम यहाँ पर कैंसिल की गई है, इस स्कीम का इस्तेमाल और इसके पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा। तो एक अच्छा डिसीजन है जो सरकार ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। आज का जो आर्टिकल ऑफ द डे है जिसे हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में, आज का आर्टिकल ऑफ द डे जिसे हम लोग आज देखेंगे डिटेल में, वो है आपका डिजास्ट्रस डिसीजन। एक बहुत ही विनाशकारी एक निर्णय लिया गया है किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज फॉर ट्रंप्स ऑन फेलियर्स इन बैटलिंग द वायरस। यहां पर बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जिम्मेदार माना है कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलने में, और WHO ने कोई भी यहां पर सख्त कदम नहीं उठाया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस आरोप की जगह पर डोनाल्ड ट्रंप अगर WHO पर आरोप लगाते हैं तो वो इस बात से नकार नहीं सकते कि उन्होंने उनका जो यहां पर फेलियर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका में, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO की फंडिंग रोकने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिकल में, और क्या है डिटेल में जानेंगे आर्टिकल ऑफ द डे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल का ओवरव्यू यहां पर पहले देख लेते हैं। गेटिंग द कंटेनमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया राइट। क्या भारत की जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है वो सही है, या उसे सही करना है, या भारत की कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को सही बनाना है। एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स मस्ट कंसिडर नॉट ओनली पैथोजन बिहेवियर, मतलब कि जो रोगजनक बिहेवियर है, बट ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर बात यह की गई है कि भारत में जितने भी यहाँ पर कदम उठाने की बात की जा रही है, चाहे वो जैसे भी कदम हो, चाहे वो लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए बोलते हो कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घर पर ही बने रहिए, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और ठीक करनी होंगी, इसी को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है, चाहे तो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है, और इस आर्टिकल में कहा गया है कि अब किसानों को यहाँ पर छूट मिली है, और कहा गया है कि अब किसानों को यहाँ पर एक तरह से उनके साथ जो हैरेसमेंट हो रहा था वो ठीक हुआ है। एंड द हैरेसमेंट, हैरेसमेंट का मतलब होता है शोषण होना, तो किसानों का शोषण हो रहा था ऑफ फार्मर्स, नाउ उसका अब क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। बिकॉज एग्जम्पशंस ग्रांटेड टू फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन मस्ट फॉलोड इन प्रैक्टिस। सरकार पूरी कोशिश करती है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, इसके लिए वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी यहां पर रोक लगाई गई थी, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। तो राइटर का यह कहना है कि फार्मर्स के ऊपर जो शोषण हो रहा था, हैरेसमेंट हो रहा था, उसका अब अंत हुआ है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को लेकर ही आर्टिकल यहां पर लिखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसान कितने चिंतित थे, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो फसलें हैं वो खड़ी हुई हैं, कटाई के लिए वहां पर मजदूर उपलब्ध नहीं है, और अगर कटाई हो भी जाती है तो उसके बाद उनको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इन सारी चिंताओं के ऊपर नजर डालता है यह आर्टिकल। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस आर्टिकल को रीड जरूर कर लें। आज के कार्टून मैसेज की बात करते हैं, तो आज का कार्टून मैसेज मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग को लेकर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस और पूरे देश में लॉकडाउन होने से कुछ ही दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, और वहां पर कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर थे आपके मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से, उनकी सरकार वहां पर गिर गई थी। तो अभी तक कोई भी मिनिस्टर्स एमपी गवर्नमेंट में नहीं लिया गया है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है, वो और ख़राब होती चली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए कोई मंत्री नहीं है। अब आगे बढ़ चलते हैं सीधा आर्टिकल ऑफ द डे की तरफ। आर्टिकल ऑफ द डे में क्या लिखा हुआ है? डिजास्ट्रस डिसीजन, जो ये डिसीजन लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये बहुत ही खतरनाक डिसीजन है। WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज, WHO को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए फॉर ट्रंप्स ऑन फेलियर, जो ट्रंप्स के खुद की गलतियां हैं उसके लिए ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो WHO को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता बैटलिंग द वायरस, इस वायरस से लड़ने के लिए। आर्टिकल में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल बनता है। एट अ टाइम वेन दी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has been seeking at least 675 million additional funding for critical response efforts in countries most in need during the pandemic, US President Donald Trump has done unthinkable
हॉल्टिंग फंडिंग टू WHO व्हाइल अ रिव्यू इज कंडक्टेड टू असेस इट्स रोल इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड फॉर फेलिंग टू एडिकेटली ऑब्टेन वेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन। बात यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में की गई है कि WHO एक तरफ तो ये कह रहा है कि इस मुश्किल दौर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO को करीब करीब 675 मिलियन $ की एडिशनल फंडिंग की जरूरत है। तो फंडिंग देने की बात तो दूर, US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी फंडिंग जो US की तरफ से जाती है उसे वो रोक रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान WHO ने पूरा यहां पर मिसमैनेजमेंट दिखाया है और कोरोना वायरस को रोकने में WHO नाकाम रहा है। और WHO इसमें भी फेल रहा है कि उसने इंफॉर्मेशन को शेयर ठीक समय पर नहीं किया और ट्रांसपेरेंटली पारदर्शिता के साथ शेयर नहीं किया। तो इस वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप WHO की जो फंडिंग है उसे रोकने की बात यहां पर कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल के राइटर का कहना है ये बहुत ही डिजास्ट्रस डिसीजन यहां पर होगा, बहुत ही खतरनाक डिसीजन होगा जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ले रहे हैं। द डिसीजन कम्स अ वीक आफ्टर फर्स्ट थ्रेटन्ड टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ बॉडी। करीब एक हफ्ते पहले अमेरिका ने यह धमकी दी थी कि वो उनकी फंडिंग को यहां पर होल्ड कर देगा, रोक देगा। उसके बाद दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। At over $500 million $, US is WHO's biggest contributor. अगर हम लोग फंडिंग की बात करते हैं तो करीब करीब $500 million $ के साथ अमेरिका WHO का सबसे बड़ा फंड कॉन्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बनता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड अमेरिका इज ऑल्सो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, ओवर 0.6 मिलियन केसेस लगभग यहाँ पर मतलब हुआ करीब करीब 6 लाख केसेस, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 0.6 मिलियन का मतलब है करीब करीब 6 लाख केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं और करीब करीब 26,000 लोगों की अमेरिका में मौत हुई है। तो अमेरिका दुनिया में इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला कंट्री है और यही रीज़न है कि अमेरिका के ये धमकी भरे बयान निकल कर आ रहे हैं। बट हॉल्टिंग फंडिंग एट अ क्रूशियल टाइम विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल बॉडी बट ऑल्सो हर्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन इस क्रूशियल टाइम के बीच में अगर अमेरिका फंडिंग रोकता है WHO की तो ये बहुत ही बुरा होगा WHO के लिए, जो कि काम कर रहा है इस वायरस को रोकने के लिए, और मानवता के लिए भी एक खतरा है। अमेरिका ने भी, जब अमेरिका को भारत की तरफ से जो दवाई नहीं दी जा रही थी तो उसकी वजह से अमेरिका ने भी धमकी भरे लहजे में कहा, और फिर अमेरिका ने ये भी कहा कि अगर भारत उनके लिए वो दवाई भेजता है तो ये मानवता के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल भी मानवता नहीं दिखा रहा, भारत ने तो मानवता दिखाते हुए वहाँ पर दवाइयाँ भेज दी हैं। मेरी बात से कितना सहमत है एक बार मुझे यस एंड नो लेकर बताइए, क्या अमेरिका को इस क्रूशियल टाइम के बीच में WHO की फंडिंग रोकनी चाहिए या नहीं, यस एंड नो लेकर मुझे जरूर बताइएगा। मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ की ज़्यादा विकसित कंट्रीज नहीं है, विकासशील कंट्रीज नहीं है, दैट लुक अप टू WHO, उनकी एक ही उम्मीद है, और उनकी एक ही उम्मीद है WHO फॉर गाइडेंस, ताकि उन्हें गाइडेंस मिले, एडवाइस मिले फॉर इवन फॉर असेंशियल सच असेंशियल्स, और उन्हें कुछ जरूरी साजो सामान मिले, जैसे कि टेस्टिंग किट के लिए भी वो WHO पर ही निर्भर है, मास्क के लिए भी बहुत सारे कंट्री WHO पर ही निर्भर हैं। विल बी बैडली हिट फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, और इस सारे केसेस में उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि WHO को अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो टेस्टिंग किट और मास्क ऐसे कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इन कंट्रीज में हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे जिनके लिए WHO एकमात्र उम्मीद है। विद अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस, करीब करीब 200 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस के साथ, एंड ओवर 1,27,000 डेथ्स ग्लोबली, द पैंडमिक हैज़ बीन अनप्रिसिडेंटेड इन स्केल। हम सभी जानते हैं कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया में, 2 मिलियन का मतलब यहाँ पर 20 लाख हुआ, और 1,27,000 लोगों की अभी तक यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो ये दुनिया में बहुत तेज़ी से ये पैर पसार रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में WHO की फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए। वैन सॉलिडेरिटी, एकजुटता और अनमिटिगेटेड सपोर्ट फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट इज नेसेसरी टू विन द वॉर अगेंस्ट द वायरस। ऐसे क्रूशियल टाइम में हर कंट्री को एकजुट होकर और निरंतर सपोर्ट करने की जरूरत है WHO की, ताकि हम इस वायरस अगेंस्ट में यहां पर वॉर को जीत सकें। विद होल्डिंग फंडिंग विल नॉट बी
इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री यूएस इंक्लूडेड। अगर कोई कंट्री यहां पर फंडिंग को रोकता है तो यह अच्छा नहीं है, ना ही उस कंट्री के लिए और ना ही पूरी दुनिया के लिए कि इस समय WHO की फंडिंग रोकी जाए। कॉन्ट्ररी, आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनका यह कहना है कि WHO कैन नॉट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट, कि WHO स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर जांच नहीं करता, बट कैन ओनली रिलाई ऑन इंडिविजुअल मेंबर स्टेट टू शेयर इंफॉर्मेशन। केवल कुछ ही कंट्रीज को इंफॉर्मेशन शेयर करता है, सभी कंट्रीज को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। देयर हैज नॉट बीन वन इंस्टेंस व्हेन इट हैज बीन फाउंड कवरिंग अप द एपिडेमिक इन चाइना, और एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जब WHO ने चाइना में जब यह वायरस तेजी से फैल रहा था तो उसे रोकने का एक भी प्रयास किया हो। रेदर इट हैज बीन कॉन्टिन्यूसली अर्जिंग कंट्रीज टू एग्रेसिवली टेस्ट पीपल एग्जिबिटिंग सिम्टम्स एंड ट्रेस क्वारंटीन एंड टेस्ट कॉन्टैक्ट्स टू कंटेन द स्प्रेड। जबकि इस दौरान केवल WHO यही चिल्लाता रहा, यही दरखास्त करता रहा सभी कंट्रीज से कि जिस भी व्यक्ति में आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स दिखते हैं उस व्यक्ति को वहां पर उसका टेस्ट किया जाए, ट्रेस किया जाए, उसको क्वारंटीन किया जाए, जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनको भी क्वारंटीन किया जाए। लेकिन उसने और कोई कदम नहीं उठाया, केवल यहाँ पर बोलता रहा, अर्ज करता रहा, लेकिन इसके अलावा उसने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। इन जनवरी थी, इसके लिए WHO भी जिम्मेदार है। इन जनवरी की अगर हम लोग बात करें, जनवरी के महीने में COVID-19 को WHO ने महामारी घोषित किया था, पैंडमिक घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की थी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताओं को व्यक्त करने के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO ने ही अनाउंस की थी और इसे नाम दिया था COVID-19। बट इट डिड सपोर्ट चाइनाज लार्ज स्केल मिटिगेशन measures to contain the virus spread। और इसने चाइना ने, जो चाइना बड़े पैमाने पर कदम उठा रहा था अपने देश में इस वायरस को रोकने के लिए, इस वायरस में कमी लाने के लिए, इसमें WHO ने कोई उसकी सहायता नहीं की। Faulting WHO for imaginary feelings cannot help Mr. Trump wash his hands of many administrative failures in containing the epidemic। यहाँ पर ये कहता है कि केवल WHO पर मनगढ़ंत आरोप लगाना केवल यहाँ पर ये सही नहीं है, और ना ही केवल WHO पर आरोप लगा देने से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ धो लेंगे या अपने ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर फेलियर दिखाया है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी भी तरह से कोरोना वायरस को अमेरिका में फैलने से रोका नहीं जा सका। ही हैज़ बीन ब्लेमिंग एवरीवन, डोनाल्ड ट्रंप सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं एल्स फॉर हिज शॉर्ट कमिंग्स इन डीलिंग विद COVID-19, और कह रहे हैं कि हमें बहुत कम समय मिला था COVID-19 से लड़ने के लिए, इसके लिए WHO जिम्मेदार है, इसके लिए चाइना जिम्मेदार है, इसके लिए ये जिम्मेदार है, इसके लिए वो जिम्मेदार है, हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो वो अपने ऊपर से सारे सभी तरह के आरोपों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। बट मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग एंड एक्चुअली विद होल्डिंग, अभी तक तो आरोप लगा रहे थे चलो ठीक था, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने होल्ड करने की बात की है। WHO की फंडिंग कैन हैव डिजास्ट्रस आउटकम्स, लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर फंड रोकने की बात करते हैं और फंड अगर रोका जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। आपकी क्या राय है मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का नाम है GK Withers, फेसबुक पर आप इसे लाइक कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अंकित गुप्ता जी के ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इन सभी की लिंक जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन की हुई मिल जाएंगी, लिंक्स पर क्लिक करके भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कल भी शाम 7 बजे हम लोग एडिटूल का सेशन रखेंगे ताकि डिटेल में एडिटूल को डिस्कस किया जा सके, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आपकी एज इट इज क्लास चलती रहेगी। आपके लिए, आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ, और हो सके तो इसे फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।